भैया राय देने से नहीं कि मोदी जिंदाबाद, मोदी नहीं, एक बार उसको साथ दो, राय मत दो, सब साथ दो मिलकर के, तो ही देश जिंदा रहेगा, नहीं देश जिंदा नहीं रह सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। शनिवार को शहीद विद्याधर चाहर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आपको पता ही होगा कि प्रेम सिंह बाजौर ने अभी तक काफ़ी मूर्तियों का अनावरण कर चुके हैं, और जितने भी शहीदों की मूर्ति उनके द्वारा लगाई जा रही है वह उनके निजी खर्चे से लगाई जाती है। तो आज इसी क्रम में खेतड़ी विधानसभा के चारावास गांव में शहीद विद्याधर चाहर की मूर्ति का अनावरण समारोह है। आइए देखते हैं। सर, क्या कुछ प्रोग्राम था आज? शहीद विद्याधर जी की मूर्ति का अनावरण था। हमारे आदरणीय यहाँ के सांसद साहब पुनिया जी, विधायक साहब, यहाँ से प्रत्याशी रहे धर्मपाल जी, सब लोग बड़े खुशी के साथ आए, खुशी के साथ उनका मूर्ति का अनावरण किया। जहाँ भी जाते हैं सब लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई शहीद को देवता तुल्य माने, देवताओं के रूप में इनको माने, देवताओं के रूप में इसको पूजे, यही हमारा लक्ष्य है। और वो इसलिए कि जितने भी देवता है अपने धरती पे, हिंदुस्तान की पे, आपको सबको पता है कोई शहीद नहीं हुआ, सिर्फ अच्छा काम किया था, इसलिए आज उनको देवताओं के रूप में पूज रहे हैं। और ये देश के लिए शहीद हुए, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये देवताओं की देवता है, इनको देवताओं के रूप में पूजना चाहिए। सब कितनी मूर्तियों का अनावरण हो चुका अभी तक? मूर्तियों का तो होगा 160 के लगभग हो चुका। झुंझुनू जिले में? झुंझुनू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में, जो पूरे राजस्थान के। सर, कितना लक्ष्य है आगे? लक्ष्य तो 1200-1400 के लगभग है, 1200-1370। सर, अभी जो हाल ही में आपके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। बात नहीं, वो बच्चे थे, समझते नहीं थे। नहीं सर, लोगों में अभी भी रोष और गुस्सा भरा हुआ है अभी। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, किसान कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करता है। अरे वो करने वाले भी बच्चे टाइप से थे, छोटे छोटे, कोई कहाँ का था, कोई कहाँ का था, उनको ज्ञान ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कर दिया। तो क्या कार्रवाई को आपने रोक दिया क्या? कार्रवाई तो FIR दर्ज करा दी, हो जाएगी कार्रवाई, जब होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी कहेंगे, रोट भी ले लें। सर, राजस्थान में ज्यादातर झुंझुनू जिले के अंदर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्राइम तो कहीं भी बढ़ना बहुत गलत बात, चाहे झुंझुनू जिला हो, अपना राजस्थान प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है। और झुंझुनू तो मेरे आपको पता है गौरव सेनानियों का देश, आज देश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ, सबसे ज्यादा शहीद यहाँ। तो इससे बड़ा जिला, इतना बढ़िया जिला है, और यहाँ यदि क्राइम की बात यदि आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही प्रेरणा है साहब, हम तो युवाओं को भी हाथ जोड़ के यही समझाते हैं कि भैया अच्छी पढ़ाई करो और अपना स्थान बढ़ाओ, कहीं ना कहीं नौकरी पेशा में राज के सिर उड़ा के मान शामिल हूँ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल रहे, बढ़िया रहे, कमी नहीं है। जो पढ़ा लिखा लड़का है उनके अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कोई सोचे सरकारी नौकरी, ऐसे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में पैकेज है जो साल के 20-20 लाख रुपए, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए साल के पैकेज, 5-5 करोड़ रुपए साल के पैकेज देते हैं। तो इसलिए जो बच्चा अच्छी तरह से, बेटा हो बेटी हो, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर पहुँचे। सर, अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसे चल रहा है अभी तक? गहलोत का कार्यकाल मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि इससे बेकार शासन कभी नहीं है। गहलोत जी 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रहे, शानदार उनका बैटिंग थी, हार जीत होती रहती है, लेकिन अब की बार जो लूट खसोट, जो जिस प्रकार से आप बता रहे हो, कानून व्यवस्था सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूँ बहुत बुरा हाल है इसको। ये जो 5 साल में जितना बैकवर्ड चला जाएगा राजस्थान, इसको बाद में उठाने में भी बहुत समय लगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी दी जाने वाली थी उसकी पूर्व संध्या पर उनकी माता विद्यावती उनसे मिलने के लिए लाहौर जेल जाती है। शहीद भगत सिंह माँ को देख करके उनके मन विचलित हो जाता है, तो माँ से पूछ लेता है कि अरे माँ, कल जब तेरा लाल फांसी के फंदे पे सो जाएगा, मौत की वादियों में खो जाएगा, तब तुम रोओगी तो नहीं, अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तब शहीद आजम भगत सिंह की मां कहती है, अरे बेटे, देश भक्तों की जननियां तो अपने आंचल से गुलाबी के दाग को धोया करती हैं,
और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं सियारों की मां रोया करती। क्या बात, राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं सियारों की मां रोया करती है। और मैं तो सिंहों के सिंह की मां हूं, बबर सिंह भगत सिंह की मां हूं, मैं रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी। और तू आजादी की दुल्हन लाने जा, मैं शगुन के लड्डू बटवाऊंगी। तू आजादी की दुल्हन लाने जा, मैं शगुन के लड्डू बटवाऊंगी। और जा बेटे जा, जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला, और मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। और ये बात सुनकर भगत सिंह चुप रहते हैं। तब कहती है, बेटा अब बात आखिरी सुन ले मेरे, मेरी जिगर के टुकड़े, हंसते हंसते फांसी चढ़ना मेरे प्यारे पुतड़े, तन मन तेरा जीवन देश पे मचले, और वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले, वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले। आज खेतड़ी विधानसभा में सारावास गांव में शहीद की मूर्ति का अनावरण, शहीद की मूर्ति के अनावरण में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हमारे प्रेम सिंह बहादुर ने शहीद की मूर्ति को लगाया था कि 94 में शहीद हो गया था, उस समय मूर्तियां नहीं लगती थी सरकार की तरफ से, यहाँ उसमें तो सिर्फ बेल्ट को किया था। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने प्रत्येक शहीद को कितना भी खर्चा हो कुछ भी हो शहीद को करके पहुँचाया जाएगा, वो शहीद की मूर्ति का नाम था। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को भी, प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने वन रेंट वन पेंशन सैनिकों के लिए लागू की, और अपने होली दिलवाली जैसे अपने परिवार के साथ मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री होली और दीपावली भी सैनिकों के साथ परिवार से मिलते थे। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जिस माता को से जन्म लिया उसकी सभी सेवा करते हैं, लेकिन एक और भी माता है जो धरती माता है, उसकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जहाँ भी हम पीड़ित व्यक्ति गए, जहाँ भी हम देश सेवा हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। सर, झुंझुनू जिले में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या कहेंगे आप? एक्शन से तो क्या कहें, आपको उसने देखा है कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री थी तो क्राइम कम होते थे, आज कोई लिखित में आंकड़े इन्होंने सीधी एक तरह से छोटी देर के काम की सरकार में। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अपराध हो रहे हैं महिलाओं बच्चों के साथ, बच्चों के साथ जो हो रहे हैं वो आप पीछे भी छुपा हुआ नहीं, ये बहुत ही गलत है। हमारे सरकार को मुख्यमंत्री कहना चाहता हूँ, उस पर पाबंदी करें, इसी तरह से पाबंदी करेंगे तो भी आगे आप सफल हो पाएंगे। लेकिन इनकी नीतियाँ ऐसी लग रही हैं कि जैसे कोई काम होता ना कि एक तो मैं अनभिज्ञ में हो जाता है, और कई बार ऐसा कोई काम होता है कि हम जैसे जानबूझ के लिए, इतने कितने आदमी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे, इन्होंने 12 साल की बच्ची से छोटे एक साथ जो बलात्कार हो जाता था उसकी फांसी की सजा का प्रावधान किया, आज 12 साल की छोटी बच्चियों के साथ इतने अपराध हो गए कि उनको आज तक पकड़ा तक ही नहीं किया, ये कैसे होगा चालान भी नहीं, तो ये सोचते हैं कि उनको फांसी हो, और उस समय 5 फांसी हुई भी थी, आपसे छुपी नहीं है। अब सरकार क्यों नहीं जागरी है, तो इसका तो मैं आप लोगों से माध्यम से भी जनता को भी जागरूक करना चाहता हूँ, जनता जागरूक हो रही, सरकार को निश्चित रूप से आगे। सर, एक आजकल जमीन विवाद बहुत ज़्यादा हो गए, अपने यहाँ राय माता मंदिर का ही देख लो आप, विधायक के मौजूद में समझौता हुआ था लेकिन अभी तक कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं, दोबारा से घटना है। राय माता मंदिर की एक बात नहीं है, आपने पहले ही कुछ कथन किया है कि अपराध ज़्यादा बढ़ रही है, उन्हीं अपराधों की श्रेणी में जमीनों पर कब्जा भी करना, लड़ाई झगड़ा भी करना, महिलाओं के साथ भी अपराध करना, ये सारी उसी से संबंधित ही है। और जब रोक लगेंगे तो सभी पर लगाएं, वो जानबूझ के करवा रहे हैं, आपसे भी कोई छुपा नहीं है। आज मंदिर की जमीन है वो अलग है, उन्होंने दिन में कुछ ही कहते हैं, रात में कुछ ही करते हैं, इस प्रकार ये चलता है। तो ये सारे सरकार को ही अच्छा बुरा जाता है, सरकार का मतलब मानताओं के ऊपर के नेताओं और सरकार का भी साथ। सर, झुंझुनू जिले के लिए क्या नई सौगात देने वाले हैं अभी? झुंझुनू जिले के लिए नई सौगात तो आप देखो, आपके सामने एक अलग चीज़ है MP और सौगात जो आप बता रहे हो, विधायक राज्य सरकार और केंद्र सरकार में रात दिन का फर्क, तो केंद्र सरकार है वो देश के लिए कर रही है, जैसे 370 धारा हटाई, यहाँ राम मंदिर बन रहा, नागरिक संशोधन विधेयक, कोरोना जैसी बीमारी में देश की रक्षा करना फ्री। सर, जिले में आपके द्वारा क्या और आगे किया जाएगा? द्वारा ट्रेनों की समस्या है, ट्रेनों की समस्या हम दूर कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया है, और सड़कें भी, डबल रोड भी, नेशनल हाईवे में ये भी आप काम देख रहे हैं, काम ये दर्जा जाते हैं वो भी हम अच्छा कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार
पिछली बार जैसे लाइट लगाई थी, पहली बार जल जीवन मिशन चला करके घर घर में जल की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान किया है। दूसरा, अभी अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना लागू करके दीपावली तक फ्री राशन दिया जा रहा है और केंद्र राज्य सरकार 2 रुपये लेती है और वो भी किस तरह का राशन दे रही है आप देखते हो, वीडियो में भी देखते हो कि किस तरह का दे रही है। फ्री राशन देना 80 करोड़ जनता को एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लगती छोटी है लेकिन इससे कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए ये फ्री राशन देना, फ्री टीका देना और दूसरा आपके सामने 500-500 रुपये जनधन में जिनके खाते खोले थे उनमें 500 रुपये खाते में आना पेमेंट और फ्री सिलेंडर देना, ये तक कि कोरोना बीमारी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। ये प्रधानमंत्री ने जो कुछ कर रहे हैं वो आपसे छुपी पारदर्शिता खाते से लेने लाया। राजीव गांधी ने ये कहा था जब हम 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पाते, आज जब 100 रुपये भेजते हैं तो कितने पैसे जमा हैं, हमें 15 पैसे भेजते हैं। इसके लिए जो भी प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं उससे मैं सभी की ओर से देश के प्रधानमंत्री से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से काम करते रहे, निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। होगा जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जो सैनिक यहाँ पर बैठे हैं, माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं। अटल बिहारी जी वाजपेयी से पहले जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी टोपी या बेल्ट आया करता था, ये बात तो आप लोगों को भली भांति मालूम होगी। मैं आज श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ और याद करना चाहता हूँ भारत रत्न के उस सपूत को अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसने ये कहा कि भारत माता की सीमाओं पर सीमा पर जो लड़ने वाले मेरे भारत माता के सपूत हैं उनके शवों को कहीं दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। अगर दाह संस्कार होगा गाजे बाजे के साथ होगा और सलामी के साथ होगा तो उसके गाँव में जाके दाह संस्कार होगा। ऐसा वीर सपूत को आज याद करना मैं समझता हूँ नामुनासिब नहीं होगा। ये शहीदों की जो कदर हुई है, शहीदों की जो आज गाने पाने बज रहे हैं, शहीदों के जो जय जय कार्य हो रहे हैं उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ है। उसके बाद में नरेंद्र जी मोदी ने सीमाओं की रक्षाओं के लिए क्या क्या नहीं किया ये पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। नौजवान साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, जो वो करके दिखाया, जो दुश्मन की छाती पे जाके वार अगर किसी ने करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। ये जो पड़ोसी देश है वो आप जी कार्य से नहीं मानते हैं, आप लोग आंख नहीं दिखाओगे जब तक उंगली करने वाले का हाथ नहीं काटोगे, जब तक कोई मानता नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं नौजवान साथियों, आप लोग भी देश के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, गांव और बस्ती के लिए जियो। कोई नौजवान ये नहीं समझे कि मैं कोई उम्र से नौजवान होता हूँ, मैं कई बार कहना चाहता हूँ, कई बार कई मंचों से कहता हूँ, नौजवान वो नहीं होता जिसकी उम्र 18 से 25 साल होती है, नौजवान उसे भी नहीं कहते जो जींस की पैंट और गदर स्टाइल की टी शर्ट पहनता हो, नौजवान वो भी नहीं होता जिसके सर के बाल काले होते हैं, नौजवान उसे कहते हैं जिसके पैरों में गरीब आदमी को साथ लेकर चलने की शक्ति होती है, जिसके सीने में मरण मिटने का मादरा होता है और जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की आग होती है, उसको नौजवान कहते हैं। ऐसे नौजवान जब तक इस गांव गाने और देश और प्रदेश में नहीं पैदा होंगे तो ये देश कभी किसी के भाषणों से सुधरने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भारत देश गुलाम था, जब आप जैसे ही नौजवान थे, जब इतनी सुविधाएं में नहीं थी, ये व्यवस्थाएं में नहीं थी, लेकिन याद कर सकते हो आप सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आजाद, राजगुरु सुखदेव प्रसाद, हेमू कालानी, वीर सावरकर, इश्फाकउल्लाह खान, बलवंत फड़के और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे मातृ हिंद के लाडलू ने अंग्रेजों को ललकार के ये कह दिया था या तो भारत छोड़ो, इस देश को छोड़ के जाओ या हमसे युद्ध करो, जितनी बारूद आपके तोपखानों में हमारे सीने में डाल दो, जितनी गोलियां आपके बंदूकों में हमारे सीने में डाल दो, लेकिन गुलाम भारत में एक पल भी सांस नहीं।